ने पिछला जो इनका घोषणा पत्र था 154 वायदे किए थे, 154, उनमें से एक भी मैं दावे के साथ कह सकती हूं और चुनौती से पूछती हूं कि आप ये बता दीजिए मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री जी, कि आपने 154 में से कौन सा वायदा पूरा किया है? एक वायदा बताकर दो हमारी इस जनता को, इस जनता जनार्दन को। कोई नहीं किया जी, एक भी पूरा नहीं किया। तो ये नई झड़ी झूठ की कहां से लेकर आ गए आप? क्योंकि इनका संकल्प पत्र नहीं है, ये झूठ पत्र है, जुमला पत्र है, धोखा पत्र है। पिछली बार विश्वास कर लिया, पहली बार विश्वास कर लेती है जनता, भाई 10 साल हमारी सरकार रही, आपको लगा कि कोई नई चीज शायद कह रहे हैं, अजमा ले, वो अजमाने के तौर पे इनको मौका मिल गया। और भाई 5 साल क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि सरकार के कैसे चलानी है, कई साल तो इनको इसी में लग गए और सभी लोग, हमारा मीडिया भी कहने लगा जी कोई बात नहीं, अभी नए हैं, नए हैं, नए हैं। अब वो नए में तो 5 साल निकल गए, तो जनता कब तक इंतजार करे? इनके जुमलों का जवाब देने का मौका आ गया। आज जो इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, कुछ पॉइंट्स मैंने देखे, हमारे साथी ने बताया, मुझे दिखाया, कुछ बिंदु मैंने देखे, एक भी ठोस चीज नहीं कह पा रहे हैं, एक भी ठोस चीज कि हम ये करेंगे, हम ऐसा कर देंगे, जो है उसकी हम सफाई कर देंगे, हम फलाना कर देंगे। भाई करके तो दिखाओ। फरीदाबाद के लोग पूछ सकते हैं कि ये स्मार्ट सिटी तो बना दी, ये बिल्डिंगें कुछ दिख रही हैं, आधे तो उनमें से मेरे को लग रहा है 80-90% पे काम रुका हुआ है और खंडर हो रहे हैं, और कह दिया स्मार्ट सिटी। भाई नाम और जुमलों में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं है। एक शब्द ले आए, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आज तक वो ये नहीं बता पाए हैं जनता को कि ये स्मार्ट होता क्या है। स्मार्टफोन तो देखा था लोगों ने, अब ये स्मार्ट सिटी क्या चीज है वो भी बताओ, आज तक नहीं बता पाए। जहां देखो ये स्वच्छ भारत जो भी दिखाते हैं फोटो खींचने के लिए, कोई कहीं झाड़ू लगा रहा है, कोई कहीं गंदगी उठाते दिखाएं ताकि लोगों को दिखाएं अपनी फोटो, लेकिन असली में यहां के तिगांव के लोगों को पूछ लो कितनी सफाई हुई है। अभी रस्ते में देखा मैंने, ढेर के ढेर लगे हुए हैं गंदगी के, और उस गंदगी में बेचारी हमारी गाय माता वो बैठी है, गंदगी में खा रही है, वो पॉलिथीन बीमार होती है, मर जाती है। 5 साल में आपने क्या करके दिखाया, कौन सी सफाई की, कौन सी स्मार्ट सिटी की? हमने अपने टाइम में जब हमारी सरकार थी, हमने यहाँ जवाहरलाल नेहरू मिशन के तहत करोड़ों 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 रुपया दिया था फरीदाबाद को, मकान बनाने के लिए भी और शहर की मूलभूत सुविधाओं के लिए भी। 5 साल में कुछ भी किया हो इन्होंने तो बताओ। और साथियों देहात की अगर हम बात करें, किसानों की हम बात करें, स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट, आमदनी दुगनी, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और किसानों को लगा अच्छा कि भी आमदनी दुगनी हो रही है, कोई बात नहीं, देते हैं इनको मौका, ये तो करके दिखाएंगे। 5 साल में मेरे किसान भाई बताओ, कोई किसी की आमदनी दुगनी हुई हो? किसी की हुई होगी? मुआवजा भी नहीं मिला जी। तो साथियों किसानों से अब आप देख लीजिए कि कुछ और देना तो दूर, सारे आपके बीमे के नाम पे आप काट लेंगे, मुआवजा देने की बात आएगी तब कुछ देना नहीं, चक्कर काटते रहो। हर तरह से किसान को ना आपके फसल का उचित दाम आपको मिलना, एमएसपी मिलनी नहीं, तो साथियों बहुत सी बातें हैं। और हरेक को जिसको हम छूते हैं, गरीब आदमी को पूछे, कोई बीपीएल कार्ड बना पिछले 5 साल में? पूछ लो, एक भी प्लॉट दिया पिछले 5 साल में? कोई नहीं दिया जी। मकान दिया पिछले 5 साल में? पंजीकृत करते रहे 5 साल, जब चुनाव आता है जी पंजीकृत करो, रजिस्ट्रेशन करो, आगे देंगे हम, जुमले पे जुमले देते रहे, कुछ दिया नहीं।
तो साथियों इनकी बात अलग, बहुत सी बातें हैं, जैसा मैंने कहा महिलाएं मेरी बैठी हैं यहाँ, कुछ इनको नहीं दिया तो हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया, हमने बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन कुछ बातों पर, कुछ बिंदुओं पर मैं नजर जरूर डालना चाहूंगी। महिलाओं के लिए हम आजकल बच्चियां पढ़ जाती हैं ना, बच्चियां पढ़ रही हैं आजकल अपने आप से, इनके कहने से नहीं, ये तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अपराध बढ़ते गए हैं, रिकॉर्ड अपराध बढ़ गए हैं, हरियाणा नंबर वन है अपराध में, लेकिन हम चाहते हैं कि लड़कियों को भी नौकरी मिले, इसलिए हम नौकरियों में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण करेंगे, हम महिलाओं के लिए स्थानीय निकायों में, चाहे पंचायती राज है चाहे नगर निगम वगैरह है, शहरों में गांव में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए करेंगे। महिलाओं के लिए हम बसों में जो हरियाणा रोडवेज की बस है उसमें फ्री करेंगे, आप कहीं भी जा रहे हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए तीसरे महीने के बाद बच्चा पैदा होने तक हम 3500 रुपया देंगे महिला, और जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके पालन पोषण के लिए 5 साल तक हम 5000 रुपया देंगे। बुजुर्गों के पेंशन की बात बताना चाहूंगी, 5 साल लगा दिए इन्होंने कि हम 2000 रुपया देंगे, और वो भी टाइम पे आता हो तो बता दो भाई। हम आपके सामने वायदा करते हैं, हमारी सरकार आएगी, आप ललित जी को यहां से बनाओगे, हम आपकी पेंशन 5100 रुपया पे, बहनों की उम्र पेंशन पाने की, अच्छा बहनों की उम्र पेंशन पाने के लिए हम कर देंगे 55 साल और पुरुषों की 58 साल।